हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास टेंथ फिजिक्स के अंतर्गत हम आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टर्न पे कई सारे पॉइंट्स आपको क्लियर किए थे इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड। आज हम लोग जनरेटर से रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे, और इन पॉइंट को पढ़ने से पहले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आप ये है कि जो आज के आप वीडियो में टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसमें से कुछ टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं, यानी कि इस साल बोर्ड पेपर पे वो आने वाले नहीं, लेकिन फिर भी आपके कोर्स में है, आपको उनको पढ़ना चाहिए ताकि आपके फ्यूचर्स में, अगर फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज कर सकें। तो सबसे लास्ट वीडियो में टेंथ के ही हमने आपको जो टॉपिक बताया था वह था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने लास्ट टर्न पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानकारी दी थी। हमने कहा था कि किसी भी तरीके से अगर मैग्नेट का प्रयोग करते हुए, यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, इस फिनामिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। द फिनामिना बाय विच वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेट, दैट फिनामिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि मैग्नेट प्रॉपर्टी की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। उस करंट को हमने क्या किया है, इंड्यूस्ड किया है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो कहिए द फिनामिना बाय विच वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दैट फिनामिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस इंडक्शन की सहायता से जितने भी आप जनरेटर देख रहे हो अलग अलग शेप एंड साइज के आज यूज हो रहे हैं, आज हम लोग उसकी सहायता से बिजली बना रहे हैं, और कई सारे फंक्शंस वगैरह में वो यूज भी कर रहे हैं। कई सारे जो आपकी संस्थाएं हैं वहां पर भी जनरेटर की सहायता से, आपके स्कूलों में भी जनरेटर की सहायता से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपनी डेली लाइफ के लिए भी, क्योंकि यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जनरेट करता है, वह है इलेक्ट्रिसिटी। और आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आज के समय की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जनरेट करते हैं जब मैग्नेटिक इफेक्ट से, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, अब जब इसमें हम करंट जब इंड्यूस्ड करते हैं, तो लास्ट टर्न पे हमने आपको बताया था कि जो आपकी करंट होती है, करंट दो टाइप्स की होती है, एक होती है एसी करंट और एक होती है डीसी करंट। लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि ऐसे तो अभी तक तो हम आपको नॉर्मल बता रहे हैं, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें भी हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो करंट जो इंड्यूस्ड करते हैं हम लोग, वो दो प्रकार की होती हैं, एसी करंट यानी कि अल्टरनेट करंट, और डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट। और इन दोनों करंट को दो अलग अलग जनरेटर से बनाया जाता है, एक का नाम है एसी जनरेटर और एक का नाम है डीसी जनरेटर। यानी कि यह दोनों करंट अलग अलग टाइप के जनरेटर से बनती हैं। और डीसी जनरेटर के बारे में आपके कोर्स में उतना टॉपिक्स नहीं है एनसीईआरटी के सिलेबस में, लेकिन एसी के बारे में, एसी जनरेटर के बारे में आपके कोर्स में दिया गया है। तो सबसे पहले तो दोनों करंट में हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंस भी बताया था कि जो आपकी डीसी करंट होती है उसमें करंट एक ही डायरेक्शन में जाती, और जो एसी करंट होती है वह कुछ समय बाद अपने डायरेक्शन को रिवर्स करती है। और इंडिया में अधिकतर एसी करंट का ही यूज किया जाता है। भारत की जो एसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, आप देखिएगा बल्ब वगैरह के पीछे 50 हर्ट्ज़ लिखा हुआ,
बात समझ में आ रही? तो जो एसी करंट है, द करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दैट करंट इज नोन एज एसी करंट। वह करंट जो अपने डायरेक्शन को कुछ समय के बाद रिवर्स करती है उसे एसी करंट कहते हैं। और जो डीसी करंट है उसकी डायरेक्शन, द करंट विच फ्लो ऑनली वन डायरेक्शन, दैट करंट इज नोन एज डीसी करंट। तो करंट दो प्रकार की हैं, एसी करंट है, डीसी करंट है। हमने एसी करंट के बारे में आपको जानकारी दे दी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 1/100 सेकेंड्स के बाद यह अपने पाथ को रिपीट करती है, रिवर्स करती है। इस कारण जो आपको करंट घर वगैरह पे लगता होगा तो झटका मार करके आपको पीछे की ओर धकेल देता है। अगर डायरेक्ट करंट आपको लग गया तो आप उसमें लगातार क्या होते रहेंगे, चिपके रहेंगे, आप उससे छूटने वाले जल्दी नहीं हैं। वहीं एसी करंट से क्या होता है, आप आसानी से पीछे छूट जाते हैं। एसी करंट कहीं दूर तक गांव में बिजली पहुंचानी हो तो उसके लिए डीसी आपके लिए सही नहीं है, उसके लिए कौन सा सही है, एसी करंट सही है। और डीसी करंट जैसे आपने अगर कभी देखा हो मेट्रो वगैरह चलते हुए, तो मेट्रो की जो लाइन होती है, पटरियाँ होती हैं, उसमें बेसिकली डीसी करंट फ्लो होता है। और डीसी करंट फ्लो होने के कारण आप ध्यान दीजिए कि अगर यह पटरी है और यह आपकी ट्रेन है, ट्रेन के आपके क्या हो गए, ये पहिए हो गए, ठीक। तो जो पटरियां जो मेट्रो की होती हैं, मेट्रो की पटरियों में डीसी करंट फ्लो होती है और इस डीसी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जो रेलवे होती है आपकी, जो मेट्रो ट्रेनें होती हैं, वह पटरी पर नहीं होती, पटरी से कुछ इंच की या कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होती। ये ऊंचाई कैसे आई, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। जो पटरियों के ये जो पहिए होते हैं ना, ये आपके पटरियों पर नहीं होंगे, पटरियों के ऊपर होंगे, इस कारण ये फास्ट चलती। और वहां पर लिखा भी होता है कि आप इस पर, जैसे एक सामान्य अगर आप रेल गाड़ी देखेंगी तो वह उसके पहिए ट्रैक के ऊपर होते हैं, लेकिन जो मेट्रो होती है उनके पहिए ट्रैक से हल्के से ऊंचे होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ जनरेट होता है और उसी मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू ही वो पूरा चलता है। यानी कि जैसे यदि उसके पहिए सरफेस पर आ गए, मैग्नेटिक इफेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट के ही थ्रू हम लोग मेट्रो को चलाते हैं और उसमें कौन सी करंट फ्लो होती है, डीसी करंट फ्लो। आप उसे ऐसे क्रॉस करके नहीं जा सकते, आप अगर गलती से भी इसके बीच में चले गए तो ये आपको क्या कर लेगा, आपको अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, फिर आप अंदर से जल करके ही निकलेंगे। तो ये उसकी है, इसीलिए जहाँ पर मेट्रो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे स्पेशल कुछ दूरी पर जो है पुलिसमैन खड़े होते हैं, आपको बताते रहते हैं कि आप इसके अंदर मत जाइए, क्यों, क्योंकि अगर आप गए तो वो आपको खींच लेगा, क्योंकि वहाँ पे कौन सी करंट है, डीसी करंट है। और इसी डीसी करंट के कारण जो आपकी मेट्रो ट्रेन है वो फास्ट चलती है। आने वाले समय में जो बुलेट ट्रेन चलेगी वो भी इसी डीसी करंट के पैटर्न पर आधारित होगी। तो यह एसी और डीसी करंट के बीच में डिफरेंस है जो कि आप जान गए होंगे। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है फ्लेमिंग। राइट हैंड फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग जो थे उन्होंने लेफ्ट हैंड रूल भी दिया। लेफ्ट हैंड रूल में उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग करंट के थ्रू मोशन जनरेट करते हैं, और राइट हैंड रूल में उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग मोशन से करंट जनरेट करते हैं। यानी कि लेफ्ट और राइट हैंड में मेन डिफरेंस क्या है, लेफ्ट हैंड रूल में आपका करंट दी जाती है और मोशन जनरेट होता है, उस मोशन से फैन चलता है, इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। और राइट हैंड रूल में क्या है, आपको मोशन दिया जाता है और उस मोशन से आपका करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट से हम लोग घर में बिजली लाते। तो दोनों में यह मेन डिफरेंस है। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिए, यही है फ्लेमिंग राइट हैंड। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि आपकी राइट हैंड की तीन फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर,
को इस तरह से रखा जाए कि तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसा पिछला रूल था सेम वही है कि आपकी जो तीन फिंगर हैं तीनों को इस तरीके से रखें कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आ रही। और थंब मोशन को रिप्रेजेंट करे, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे। तो यह जो आपका मिडिल फिंगर है, यह मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट को बताएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या तो ऐसे या तो ऐसे, अलग अलग तरीके से। क्लियर है? ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर आप तीन फिंगर लिए हुए, यह थंब आपका मोशन को रिप्रेजेंट करे, फोर फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो यह जो मिडिल फिंगर है, यह मिडिल फिंगर आपके इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए डायग्राम्स कुछ इसी तरीके का है, बुक वगैरह में भी है। ठीक, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए क्योंकि अब उंगली है, 3D फिगर है, एक इस तरीके से, एक नीचे के, मान लीजिए हम तीसरी उंगली को इससे दिखा रहे हैं, एक इस तरीके से अंगूठा हो गया, यह आपकी एक उंगली हो गई जो ठीक इसके 90 डिग्री पर है, और यह आपकी मेन। तो यहाँ पर यह जो अंगूठा है यह मोशन बनाएगा, यह जो है आपका यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यह जो आपकी उंगलियाँ गई हैं यह आपकी का इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। हमने इससे देखिए दिखा दिया, ये ठीक 90 डिग्री पर है तीनों, यह इस तरफ जा रही है या आपके साथ आपकी तरफ जा रही है सामने, और यह नीचे धरती पर जा रही है, अर्थ पे जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि आप यदि दाएं हाथ को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें कि थंब मोशन के डायरेक्शन को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाए, तो यह जो आपका है मिडिल फिंगर, वह फिंगर आपके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगा। इसे ही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहते हैं। और राइट हैंड रूल की सहायता से हम मेनली करंट को इंड्यूस्ड करते हैं, करंट जो यहाँ पर मिल रही है उसके डायरेक्शन के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यह आपका क्या था? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल था। तो देखिए हमने डायग्राम बना दिया है। सबसे पहले आपका यह थंब है, थंब किसके डायरेक्शन को दिखा रहा है? मोशन के। या फर्स्ट फिंगर है, या किसके डायरेक्शन को दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो यह जो है आपका, यह आपके इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा। बात क्लियर है? यानी कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, एक आपका मोशन और एक आपका इंड्यूस्ड करंट। तो यह आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, और यह आपके कोर्स में है, ध्यान रखिएगा, यह कोर्स से बाहर नहीं है, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए और साथ ही साथ इसको तैयार भी करना चाहिए। डायग्राम वगैरह बहुत ही इजी है, डायग्राम जरूर आपको बनाना आना चाहिए पेपर के हिसाब से, और बहुत सिंपल है, आपको उंगली ही बनानी है ऐसे। क्लियर? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को एक बार समझ लीजिए। इफ वी होल्ड अवर राइट हैंड सच दैट अवर थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बस सुन यारी, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मिडिल फिंगर शुड बी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट। अगर हम लोग इसके हिसाब से माने, यह बोर्ड का डायरेक्शन मान लें, यह आपके मोशन का डायरेक्शन मान लें, तो ये जो नीचे का डायरेक्शन है यह नीचे का डायरेक्शन ही आपके इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वह है एसी जनरेटर।
एनसीईआरटी में ये आपके कोर्स में है। डीसी जनरेटर के बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाहर है कोर्स से। एसी जनरेटर, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए जनरेटर क्या होता है। जैसे हमने आपको मोटर बताया था कि मोटर एक स्पेशल डिवाइस है, क्या है, स्पेशल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वैसे ही जनरेटर एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि ठीक उससे उल्टा। क्योंकि ध्यान दीजिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से मोशन दे रहे थे, उस मोशन से फैन चल रहा था, मशीनें चल रही, यहाँ पर हम लोग मोशन देंगे तो उस मोशन से करंट जनरेट होगी। अब वो मोशन कैसे दिया जाएगा, मोशन हो सकता है कोयले को जला कर दिया जाए, कोयले से कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मोशन पानी से फ्लो करा करके दिया जाए, कई जगह हाइड्रो पावर प्लांट हैं, ठीक, कई जगह जो आपने देखा होगा विंड मिल, पवन चक्की, बड़े बड़े पवन पंखे होते हैं, घूमते रहते हैं, उसके मोशन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हम लोग मोशन देंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, यह काम करने वाला जो यंत्र है उसका नाम है जनरेटर। और जनरेटर में भी दो तरीके की, एक है एसी जनरेटर और एक है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर तो मान लीजिए आपके कोर्स में पहले से भी नहीं था, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एसी जनरेटर कोर्स में पूछा जाता था, लेकिन इस साल से आपके कोर्स में नहीं। तो एसी जनरेटर क्या है, ऐसा जनरेटर जो एसी करंट को प्रोड्यूस करे। जनरेटर क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर यह पेपर में आता तो आप क्या कहते, एसी जनरेटर की डिफिनेशन लिखते, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने वाला जनरेटर जो आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो। इसका प्रिंसिपल क्या होता, तो इसका प्रिंसिपल होता फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसके प्रिंसिपल में आप क्या लिखते कि जो एसी जनरेटर है वह फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर काम करता है। तो एसी जनरेटर के प्रिंसिपल के बारे में आप जानेंगे, इसके बाद इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो वर्किंग कुछ तरीके से जो है आपके मोटर की तरह ही है, वहाँ पे करंट देते थे तो मोशन होता था, या मोशन देंगे तो करंट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका डायग्राम भी कुछ हद तक मिलता है, बस थोड़ी सी चीज का जो डिफरेंस है वो ध्यान दीजिए। आपने मैग्नेट लगा लिया, मैग्नेट लगाने के बाद आपने वैसे ही क्वाइल लगा लिया, ए बी सी डी, ठीक। आपने शाफ्ट लगा लिया जो आयरन कोर वहां पर हमने मोटर में आपको बताया था, ठीक। लेकिन एक जो चीज बदली वह है वहां पर आपने स्प्लिट रिंग लगाई थी और यहां पर आप स्लिप रिंग लगाओगे। यह स्लिप रिंग जो है ब्रश से जुड़ा होगा, मान लीजिए यस वन है और यह यस टू है, यह दोनों ही आपके ब्रश से जुड़े होंगे और यह ब्रश आपका गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होगा। गैल्वेनोमीटर एक यंत्र होता है, एक ऐसी मशीन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को डिडक्ट करती है, किस वायर में इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, फ्लो हो रही है, किस में नहीं फ्लो हो रही है। गैल्वेनोमीटर आपको दे दिया जाए तो आप उससे पता कर सकते, और यह गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को निकालें। तो यहाँ पर भी सब कुछ वही है, सारा सिस्टम वही है, ए बी सी डी क्वायल है, शाफ्ट है, लेकिन यह जो है आपका क्या है, स्लिप रिंग है, ठीक। यह आपका शाफ्ट है, इसका हम लोग मोशन कराएंगे। आपका नॉर्थ टू साउथ आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें जैसे ही हम लोग मोशन कराएंगे, मोशन हमने नीचे की तरफ कराया, मोशन कराया, मैग्नेटिक फील्ड आई, दो चीजें मिली, एक मोशन मिला शाफ्ट। अभी शाफ्ट को हम कैसे भी करके घुमाएं, कोयले से घुमाएं, पानी से घुमाएं,
आपने देखा होगा जनरेटर चलाते हैं तो उसके पहले हत्ता लगा करके उसको बाहर से क्या करते हैं, घुमाते हैं, अपने आप वो नहीं घूमता। लेकिन जब एक बार घूम जाता है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, वो अपने आप क्या होता है, जब तक करंट आपको चाहिए तब तक वो बाहर का जो हिस्सा होता है वो लगातार घूमता ही रहता है। तो उसको घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, आपके जनरेटर में जो है हत्था लगा करके उसको गोल गोल घुमाते हैं। तो उसी तरीके से यह शाफ्ट है, शाफ्ट को हम लोग घुमाएंगे, मोशन देंगे, मोशन देंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, यानी कि यह आपका जो डायरेक्शन हो गया वह आपके मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। या नीचे की तरफ आपने मोशन दे दिया तो जो 90 डिग्री पर है वो आपका क्या होगा, करंट प्रोड्यूस, करंट प्रोड्यूस होते होते इधर आएगा, फिर उसको मोशन मिलेगा, फिर वो घूमेगा और यह आपके स्लिप रिंग पर जैसे ही करंट आएगी तो एक बार यस वन यस टू के प्लेस पर आएगा, यस टू यस वन के प्लेस पर आएगा, फिर यस वन यस टू के प्लेस पर आएगा, यस टू यस वन के प्लेस पर आएगा और यह गैल्वेनोमीटर के द्वारा आपकी करंट क्या कर दी जाएगी, रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी, पता कर लिया जाएगा कि इसमें करंट फ्लो हो रही है कि नहीं फ्लो हो रही है, और उस करंट को हम लोग इकट्ठा करके किसी भी अपने काम में यूज कर सकते हैं। तो यह जो आपका है यह आपका एसी जनरेटर है। नहीं समझ में आया हो फिर से समझ लीजिए, एसी करंट को जनरेट करता है, इसमें भी मैग्नेट क्वाइल साफ, बस एक चीज़ जो अलग है वह है स्लिप रिंग, ठीक, यस वन और यस टू बैंड बी वन और बी टू से क्या है, ये कार्बन ब्रश बी वन और बी टू से जुड़ा हुआ है। मोशन देते हैं तो एक बार यस वन अपनी पोजीशन चेंज करके यस टू पर, यस टू वाला यस वन पर, यस वन वाला यस टू पर, यस टू वाला यस वन पर, और यह पूरा कॉयल घूमते हुए आपको इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। तो मेनली इस चैप्टर से आपके कई सारे टॉपिक्स हो गए हैं, फिर अब एक वीडियो इस चैप्टर से आपको और देंगे लास्ट वीडियो, जिसमें और सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक फ्यूज वगैरह के बारे में जानकारी होगी। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह आपके फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जो एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं लाइट, और लाइट के बारे में अगर पूरे अच्छे से जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो ध्यान से उन सभी वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो लाइट के बारे में हम आपको बताएंगे एक वीडियो के बाद। तो आज के लिए इतना ही।